हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का साहिल दलाल गेम्स पर। दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज की अपनी बेट 2 लाख रुपए की। देखते हैं दोस्तों अपने साथ खेलने के लिए कौन कौन आता है। एक आया है दीमानकर। दोस्तों पत्ते की बात करें तो अपने पास 1, 2, 3, 4 के तो पत्ते आए हैं। अब की बार 4 तो बनने चाहिए। और अपने साथ एक खेलने के लिए आया है सुशील वर्मा, और एक आया है बेमिसाल। तो देखते हैं दोस्तों इनके साथ अपना मैच कैसा चलता है और लास्ट तक क्या रहता है। ये दीमानकर ने दोस्तों अपना लगता है ईंट का बादशाह तो खराब कर दिया, क्योंकि इसने रिस्क लिया और ईंट की बेगी बना ली है। और अब फिर ये कुछ उल्टी सीधी चाल करने लगा है। देखते हैं ये अपने फेवर में रहेगी या अपने को इससे माइनस लगेगी। दोस्तों 11 काट जा चुकी हैं, और दोस्तों वो तो इस बेमिसाल ने ही इक्का रख के ईंट की चाल की थी, जो अपने को नुकसान कर गई। उसका नुकसान ये हुआ कि अपना जो ईंट का बादशाह था वो चला गया है बेकार। हम एक बार 5 का 10 की चाल करते हैं, देखते हैं इक्का आएगा या नहीं इस पर। और आ गया दोस्तों, सुशील वर्मा ने इक्का लगा लिया। अब दोस्तों अपने को 3 बनाने बाकी हैं, लेकिन 3 बनने अपने मुश्किल हैं। देखते हैं क्या रहेगा। अगर अपना चिड़ी का नौका बनता है किसी तरह तो कोई चांस है, अदरवाइज कोई चांस नहीं है बनने का। और वैसे चिड़ी में दोस्तों सभी चिड़ी आ चुकी हैं, और चिड़ी अब किसी के पास है नहीं, ना काट है, और अपना ये बन जाएगा। और दोस्तों ये कमाल होता हुआ ये यहाँ पे अपने लक ने साथ दिया, अदरवाइज हमको माइनस लग गई थी। और अब की बार पत्तों की बात करें तो दोस्तों 1, 2, 2 ही करेंगे दोस्तों, क्योंकि 3 बाद से आए हुए हैं। पिछली बार की तरह हो सकता है अपना कोई एक बादशाह खराब हो जाए, इसलिए हम केवल 3 ही करेंगे। और अब की बार शुरुआत करते हैं हम भी काठ से, देखते हैं किसके पास क्या है। ये सुशील की काठ पिटी क्या, देखते हैं। और ये सुशील की बेगी तो हमने खराब करवा दी, और बेमिसाल ने अपना चिड़ी का बादशाह खराब करवा दिया है। अब देखते हैं दिमांकर क्या चाल करता है। दिमांकर ने फिर से काठ की चाल की है। दोस्तों अपना अब हुक्म का गोला आसानी से बन जाएगा, और सुशील की चिड़ी की बेगी आसानी से बन गई। दोस्तों अपना ईंट का बादशाह भी खराब जाते हुए, ओहो ये तो दोस्तों कमाल हो गया, फिर से बन गया अपना ईंट का बादशाह। किसने इक्का रख के ईंट की चाल की थी पता नहीं। फिर हम चिड़ी की चाल करते हैं, और अब की बार इस पर सभी काट लगाएंगे। अपने पास तो काठ थी नहीं, दिमागकर के पास भी नहीं है, केवल सुशील के पास ही काठ बची हुई थी। वैसे अपने अब की बार 2 बन चुके हैं। सुशील और बेमिसाल का, सुशील के भी दोस्तों पूरे 4 बन गए, बेमिसाल और दिमागकर का ही एक एक बनना बाकी है। देखते हैं क्या रहेगा। हो सकता है एक तो हम भी ले लें। ये देखिए बेमिसाल ने फिर से रिस्क लिया, और इसको लगता है अब की बार भी माइनस लगेगी, और दिमागकर को भी माइनस लगेगी। दोस्तों अब की बार दिमांकर को माइनस लगी है। और पत्ते की बात करें तो 1, 2, 2 ही बनेंगे दोस्तों, ईंट में हम रिस्क नहीं ले सकते। वैसे तो ये 3 कह रहा है, लेकिन इसमें रिस्क है, क्योंकि हो सकता है कोई काठ पहले ही ले ले। अपने पास 2 ही काठ हैं, अगर पहले काठ ले लेता है तो फिर अपना और नहीं बन पाएगा, इसलिए हम 2 ही करेंगे। अभी अगर स्कोर देखें तो हम सेकेंड पोजिशन पर हैं, तो आराम से ही खेलेंगे हम। लास्ट ये से थर्ड राउंड अभी चल रहा है, इससे अगले राउंड में हम थोड़ा सा रिस्क लेंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो। ये चिड़ी में तो अपना दोस्तों बन गया है, हम ईंट में फिर से ट्राई करते हैं। एक दिमांकर को दोस्तों गुस्सा आ गया, हमने इसको काट लगा दी थी, इसलिए इसने अपने को काटने का सामान भेजा है। अब देखते हैं इसकी बेगी भी पिटेगी क्या। ये तो भाई दिमांकर तो पागल हो गया, सभी के पास कुछ कुछ भेजना शुरू कर दिया इसने। और ये बेमिसाल ने दोस्तों अपनी काट थी वो खराब करवा दी है, अदरवाइज हम चिड़ी पर लगाकर अपना आसानी से बना लेते। वैसे दोस्तों अब की बार उम्मीद थी नहीं, फिर भी 4 बन गए अपने, और फिर हम ईंट की चाल करेंगे। इस पर सभी की काट लगेंगे। दिमांकर की काट खत्म हो चुकी है, सुशील ने काट लगाई, बेमिसाल ने बड़ी लगाई। अब तो दोस्तों सुशील वर्मा ने अब की बार केवल एक ही किया है, अगर इसको माइनस लगती है तो अपने को कुछ बेनिफिट मिलेगा। बेमिसाल और ये दिमागकर तो वैसे ही रेस से बाहर हो चुके हैं, अपने से आगे है जो वो सुशील ही है, लेकिन इसने अपना एक बना लिया है पान में।
और बेमिसाल ने भी दोस्तों अब की बार 5 बना लिए हैं और दिमांकर को फिर से माइनस लग गई। ये देखिए दोस्तों, हमको अब जो कंपटीशन दे रहा है वो सुशील वर्मा ही दे रहा है, इससे आगे निकलना अपने लिए ज़रूरी है। और पत्ते की बात करें तो दोस्तों 3 के तो हैं पत्ते, हम चार करते हैं अब की बार, 3 तो अपने आसानी से बन जाएंगे, एक और काठ में अपना बनना चाहिए, तो देखते हैं हम कोशिश करेंगे। ये एक बार स्कोर देख लीजिए, अपने से सुशील वर्मा एक आगे है और अब की बार इसने 2 किए हैं, तो इससे कम से कम 2 पॉइंट आगे निकलना तो ज़रूरी है। और दोस्तों अगर इस पर 1 का और आ जाता तो बड़ा मज़ा आता अपने को, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, कोई बात नहीं। अब दोस्तों हम एक बार अपना हुक्म का 1 ले लेते हैं, क्योंकि हम कोशिश करेंगे अपना पान का गोला भी बनाने की। चौथा हमने या तो काठ के लिए काठ में से बोला था, या अपना पान का गोला बनना चाहिए तो ही अपने को फायदा होगा। और ये 11 काठ तो आ चुकी हैं दोस्तों, देखते हैं अब आगे क्या रहेगा। और ये चिड़ी में केवल चिड़ी का नौका ही बन गया, और 10 का भी बेमिसाल के पास है, 1 काठ जो बची है वो इस पर लग जाएगी, अपनी काठ अब आसानी से बन जाएगी। दिमागकर ने अब की बार भी 3 किए हैं, लेकिन अब तक इसका 1 ही बना है, आगे इसका क्या प्लान है वो देखते हैं। ये दोस्तों अपना ईंट में आसानी से बन जाएगा, और हो सकता है अपना ये पान वाला भी आसानी से बन जाए, क्योंकि अब काठ समाप्त हो चुकी हैं। और ये बन गया दोस्तों, और आ चुके हैं हम फर्स्ट पोजीशन पर, लेकिन सुशील अपने से केवल 1 पीछे है। और अब की बार पत्ते की बात करें तो दोस्तों 1-2 के ही पत्ते आए हैं, लास्ट राउंड में हम रिस्क नहीं लेंगे, सुशील को हमसे आगे निकलने के लिए 4 करने पड़ेंगे दोस्तों, देखते हैं कितने करता है ये। और इसने 3 ही किए हैं, ये देखिए दोस्तों, अगर सुशील के 3 बनते हैं तो ये 14 पर रहेगा, और अपने 2 बनते हैं तो हम भी 14 पर रहेंगे, लेकिन हमारा पॉइंट, ये देखिए अपना 12.4 है स्कोर, सुशील का 11.3 है, तो देखते हैं दोस्तों ये मुकाबला काफ़ी रोमांचक होते हुए लास्ट राउंड में। हो सकता है सुशील का अगर 4 अब की बार बन जाते हैं तो ये मैच ड्रा भी हो सकता है, देखते हैं क्या रहेगा। तो दोस्तों हम कोशिश करते हैं सुशील की कोई काठ वगैरह पिटवाने की, जिससे कि उसका जो चौथा बनने की उम्मीद है वो कम हो जाए। और दोस्तों हमने इसकी बेगी तो पिटवा दी है, और इससे अपने 1 का और जो गोला है उसके बनने का रास्ता साफ हो गया है। और दोस्तों अपना पॉइंट 1 पॉइंट और बढ़ जाएगा, और अब अपने फर्स्ट आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। ये बेमिसाल चिड़ी के पीछे ही लगा हुआ है, दोस्तों हो सकता है सुशील वर्मा को 3 की भी माइनस अब की बार लग जाए, क्योंकि इसकी 1 काठ की बेगी हमने पिटवा दी, 1 काठ इसकी वैसे पिट गई है, और 1 काठ हम इसकी और ऊपर ले लेंगे। तो दोस्तों अपना फर्स्ट आना लगभग तय ही हो चुका है, और सुशील वर्मा को माइनस लगना भी अब की बार तय हो चुका है। और दोस्तों लास्ट तक आते आते हम आ गए हैं फर्स्ट, और अपने को मिलेंगे 5,60,000। दोस्तों ये मैच आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें।